नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों आज हम बात करेंगे JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में। JNU के अंदर PhD के एडमिशन खुल चुके हैं और यदि आपको डेट का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि 30 अक्टूबर 2022 से 20 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ये लगभग 21 दिन का समय आपके पास है तो आपको तुरंत अप्लाई करना चाहिए। यदि आप PhD के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं ना तो इसको मिस मत करना, क्योंकि सबसे बेस्ट या फिर ये कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट विश्वविद्यालय है JNU। और JNU के अंदर ना आपको फीस की चिंता करनी है, ना किसी प्रकार से बजट की चिंता करनी है। हॉस्टल चार्ज वगैरह बेहद नॉमिनल होते हैं, फीस वगैरह बेहद नॉमिनल होती है और वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है उससे आप PhD करने जा रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि एंट्रेंस टेस्ट होता है। एंट्रेंस टेस्ट के 70 नंबर काउंट होते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, MCQ आते हैं। तो ये तो है कुछ मोटी मोटी सी बातें जिसके बारे में आपने इसकी PDF में देख भी लिया होगा, और यदि PDF नहीं देखी तो भी आप PDF को देख लेंगे तो आपको नॉर्मली पता चल जाएगा। हम स्पेशली आज आपको क्या बताएंगे, मैं स्पेशली आपको ये बताता हूँ कि ये फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, किस सब्जेक्ट के अंदर जो वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में भारी कन्फ्यूजन है तो इसके बारे में पर्टिकुलरली आज बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे पहली बात तो आपको डेट के बारे में पता होना चाहिए कि दिसंबर के महीने में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, और इस एंट्रेंस टेस्ट के अंदर जो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यानी कि 100 MCQ होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि टोटल जो 100 मार्क्स हैं वो 70 नंबर में काउंट किए जाएंगे और उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू या फिर कहें वाइवा जो 30 नंबर में काउंट होगा। तो टोटल नंबर आपके 100 बनेंगे, 70 नंबर आपके रिटन टेस्ट के और 30 नंबर आपके इंटरव्यू के, तो टोटल आपके 100 मार्क्स इस प्रकार से होंगे। दोस्तों फील्ड ऑफ स्टडी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि फील्ड ऑफ स्टडी क्या है। देखिए JNU ने अपना सिलेबस प्रोवाइड किया है और ये बिल्कुल क्लियरिटी है। यदि आपको सिलेबस के बारे में नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इसी के साथ में मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे भी दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आपको सिलेबस ढूंढना है, किस प्रकार से एरिया स्पेसिफिक यानी कि फील्ड ऑफ स्टडी को चूज करना है, इसी के साथ में कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर हैं जहां पे आप जा सकते हैं, यानी कि हरियाणा के अंदर भी लगभग 5-6 सेंटर हैं और पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर हैं, क्योंकि JNU का जो एंट्रेंस वो NTA के द्वारा लिया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा लिया जाता है। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ पे आप लोकेट करते हैं, दूर दराज के किसी भी मतलब स्टेट के अंदर आप हैं वहां से आप टेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं अपने नजदीकी सेंटर से, और ये सारा का सारा टेस्ट CBT जिसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ज्यादा से चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, आपके नजदीकी एग्जामी सेंटर में आप पेपर दे सकते हैं। तो आइए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं कि जो फील्ड ऑफ स्टडी ये क्या है, कितनी इसकी पोस्ट हैं और बाकी जो चीजें हैं कि सेंटर वगैरह आपको किस प्रकार से चूज करना है। दोस्तों जब आप JNU की साइट पे जाओगे तो आपको दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देंगी, और पहली इंपॉर्टेंट चीज है ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन, और दूसरी चीज है पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JNU। और ये PhD के एडमिशन से रिलेटेड ही हैं दोनों की दोनों चीज़ें। यदि आपको FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पूछने हैं तो यहाँ भी आप जा सकते हैं, परंतु ये दोनों इन्फॉर्मेशन है जो ये मैंने अपने स्क्रीन के ऊपर यानी कि अपने लैपटॉप के ऊपर पहले ही डाउनलोड इनको कर लिया है तो मैं उनको दिखाता हूँ, परंतु उससे पहले इस चीज़ को आप जरूर देखिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा। यदि हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो सिंपली आपको आपके सामने एक दूसरी विंडो खुल के आएगी और वहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन जैसे रजिस्ट्रेशन से पहले, रजिस्ट्रेशन के बाद में जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती हैं वो सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगी। क्योंकि मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है तो ये साइट खुलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। एक दूसरी बात
और भी है कि बहुत सारे कैंडिडेट इसके ऊपर अप्लाई अब कर रहे होंगे, तो ये हो सकता है कि थोड़ी सी डिले इसके अंदर हो जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये है न्यू रजिस्ट्रेशन का और ये है साइन इन का। पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो साइन इन पे जाएंगे, नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि मुझे तो मैंने पहले ही PhD कर रखी है, तो आपको यदि जाना है तो इस प्रकार से, इस तरीके से आप जा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ये वाली PDF आपको डाउनलोड करनी है। मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखी है तो मैं आपको यहाँ पे सीधा ही ले आया। अब यहाँ पे देखोगे तो ये PDF के अंदर सिर्फ PhD की इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोस्पेक्टस नहीं है। आप इसको याद रखिएगा, ये प्रोस्पेक्टस नहीं है। 2022-23 के एडमिशन की बात है तो ये सारे की सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस प्रकार से दे रखी हैं, जिनकी बात हम कर चुके हैं। फीस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट चॉइस के लिए 600 और सेकेंड के लिए 900 और थर्ड चॉइस के लिए 1100 रुपये है। यदि आप ऐसी कैटेगरी में है तो आधी BPL में है तो और भी ज़्यादा कम आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात है वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके ये सारे इन्फॉर्मेशन आप जुटा सकते हैं, इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। परंतु मैं दूसरी चीज़ भी आपको दिखाऊंगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे काम की है, कि प्रोस्पेक्टस यदि आपको डाउनलोड करना है, यानी कि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको कहाँ से देखनी है। यहाँ पे ये एरिया ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी जिसकी मैं बात कर रहा था, ये एरिया दे रखा है एरिया स्टडी का। ये इतने सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दे रखे हैं, सब्जेक्ट ना कहें तो इसको स्कूल कह सकते हैं। अब स्कूल की डेफिनेशन कहाँ से आ गई, यदि हम, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश है तो ब्रिटिश प्रणाली ज़्यादा है, वहाँ पे स्कूल ऑफ थॉट और स्कूल ऑफ लैंग्वेज, स्कूल ऑफ साइंस, ये सारे स्कूल में कन्वर्ट किए जाते हैं, स्कूल में बताए जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्कूल लिख रखे हैं। स्कूल का मतलब यहाँ पे प्राइमरी या प्लस टू तक के आप ना समझें। अब यहाँ पे प्रोस्पेक्टस के बारे में बात है, यदि आपको प्रोस्पेक्टस देखना है तो एडमिशन का प्रोस्पेक्टस यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। यदि मैं इसको क्लिक कर दूँ तो ये ओपन इंस्पायरिंग पूछता है, क्योंकि मेरे पास मैकबुक है तो ये ओपन इंस्पायरिंग पूछेगा और आपको प्रोस्पेक्टस दिखा देगा। परंतु इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, वो आपको नीचे देखने को मिलेगी, और वो कहाँ देखने को मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी चीज़ें वही हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके। 3 घंटे का पेपर, 100 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQ है, 1 नंबर करेक्ट, नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वगैरह वगैरह ये बता रखा है। इसके साथ में ये है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। और यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों है, क्योंकि ये सिलेबस के बारे में है और ये मेंशन कर रखा है कि सिलेबस फॉर द टेस्ट है। अब यहाँ पे सिलेबस के लिए ना हमें एक दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने इस PDF के अंदर थोड़ा सा गैप रख रखा है, तो हमें इसको दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा। हम इसको कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और जैसे ही हम कॉपी कर लेते हैं तो हमें जाना होगा साइट पे सफारी पे, यानी कि सफारी ब्राउजर पे, आप दूसरे पे भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस ज़्यादा है तो हम इस स्पेस को ख़त्म कर देते हैं और फिर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने आ जाता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और ये एक्चुअल में है क्या, ई प्रोस्पेक्टस है। तो ई प्रोस्पेक्टस के अंदर हमें यहाँ पे हम थोड़ा ना फिल्टर लगा देते हैं, और फिल्टर के अंदर ये लिख देते हैं सिलेबस। तो सिलेबस जैसे ही लिखा तो हमें ये काफ़ी दूर लेके चला गया, और ये पेज नंबर 104 शायद ये मिलेगा। तो यहाँ पे पहले तो इंडेक्स के अंदर ही दिखाएगा, उसके बाद में दूसरे पे लेके चले तो 104 नंबर पेज पे हमें लेके आ गया है, और ये सारे के सारे सिलेबस के बारे में आपको बता रखा है। अलग अलग सब्जेक्ट है, पहले आपको लैंग्वेज देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद में आप देखोगे तो लिटरेचर के बारे में मिलेगा, फिर उसके बाद में लाइफ साइंस, और फिर सोशल साइंस यहाँ पे आ जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोशल साइंस का ही एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडी एंड प्लानिंग के बारे में बात है, तो ये सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि क्या क्या सिलेबस इससे रिलेटेड होगा। यदि आप मॉडर्न ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस की बात करेंगे तो वो भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी की यदि बात हम करें तो ये दे रखा है यहाँ से लेके रीजनल डेवलपमेंट ज्योग्राफी कोड, और ये वाला सिलेबस ही यहाँ तक दे रखा है। इसी प्रकार से यदि आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस दे रखा है, इसी प्रकार से हिस्ट्री का दे रखा, पॉलिटिकल साइंस का दे रखा, ये सारे सिलेबस आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली जो बात है, पहला जो मैकेनिज्म है वो यही है कि हमें सिलेबस को देखना होगा, और सिलेबस के देखने के बाद हमें इसकी तैयारी करनी होगी। अब इस प्रोस्पेक्टस के अंदर मैं एक बात और बता देता हूँ, यहाँ पे है JRF के लिए, क्योंकि वो पहले खुल रहा था तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ JRF का मामला क्या है। देखिए JRF को समझने के लिए एंट्री फॉर PhD थ्रू JRF मोड। अब यहाँ पे कैंडिडेट वैलिड है
यानी कि जेआरएफ जिसने कर रखा है वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है एंट्रेंस एग्जाम से, परंतु ये वाली पोस्ट है ना जो फिलहाल जिनकी हम बात कर रहे हैं ये जेआरएफ के लिए नहीं है, क्योंकि यदि मैं इसे स्विच करूं और यहाँ पे आ जाते हैं हम और यहाँ पे हम फिल्टर लगाएं और यदि जेआरएफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पे नो रिजल्ट फाउंड आ गया आपके सामने, यानी कि जेआरएफ से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट नहीं है। मतलब क्या है, सिंपली आप ये समझिए कि जो अब एडमिशन आए हैं नवंबर के महीने में, इनके अंदर जेआरएफ वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, और यदि वो अप्लाई करते हैं तो उनको टेस्ट ही देना पड़ेगा। तो ये है समझने वाली बात है। तो ये है दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था। इसी के साथ में यदि हम बाकी और चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे फील्ड स्टडी की बात मैं कर रहा था, फील्ड ऑफ स्टडी की बात कर रहा था, तो वो फील्ड ऑफ स्टडी को भी आपको देखना होगा कि पर्टिकुलरली आपका फील्ड किस में है। इसके साथ में आपको और चीज़ क्या देखनी होगी, सेंटर के बारे में। तो सेंटर के बारे में थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जब ऊपर जाएंगे लिस्ट ऑफ स्टेट और सिटीज हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें असम की, तो दो जगह पे यहाँ पे सेंटर है, एग्जाम सेंटर गुवाहाटी और इसी के साथ में सिलचर। बिहार की बात करेंगे तो बहुत जगह है, 5-6 जगह है। हरियाणा की बात भी मैं आपको दिखा देता हूँ, दिल्ली के अंदर एक जगह है और हरियाणा के अंदर भी अम्बाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, कई जगह पे यहाँ पे पीएचडी का एंट्रेंस होता है। इसी के साथ में अलग अलग स्टेट के अंदर, मतलब पूरे इंडिया के अंदर हर जगह पे सेंटर हैं, तो ये घबराने की बात नहीं है। एक्सेल 2 में आपको ये देखने को मिलेगा कि हमारा फील्ड ऑफ स्टडी क्या है, तो फील्ड ऑफ स्टडी को हमें चूज करना होगा। पर्टिकुलरली यदि आप चाहें, जैसे ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको बता रहा था रीजनल ज्योग्राफी की वहाँ पे बात है, तो आप सोशल साइंस में कहेंगे सर रीजनल ज्योग्राफी में हमें नहीं करनी, हमें तो फिजिकल ज्योग्राफी में करनी है, तो उसकी सीट अवेलेबल नहीं है। और यदि आपको ऐसा देखना है तो स्कूल ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस में आप देखिए या फिजिकल साइंस के अंदर आपको देखना होगा कि वहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई सीट आपकी है या नहीं है। अब बात करते हैं टोटल सीट की, क्योंकि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ये भी तो पूछ रहे हैं कि सर सीट का मामला क्या है, कि टोटल सीट कितनी है। देखिए इसके बारे में ना ये बताया गया है कि 600 से ज़्यादा सीट अवेलेबल हैं JNU के अंदर। आप याद रखिएगा 600 से ज़्यादा सीट अवेलेबल हैं। और यदि आप पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में पूछेंगे ज्योग्राफी के अंदर कितनी सीट हैं, बिल्कुल भी नहीं बताया गया, पता ही नहीं है। अब ये कम और ज़्यादा हो सकती हैं कैंडिडेट्स के ऊपर, कैंडिडेट्स के कैलिबर के हिसाब से, आप इस बात को इतना ही समझिएगा। तो ज़्यादा इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ये दे रखे हैं फील्ड ऑफ स्टडी, इधर भी फील्ड ऑफ स्टडी दे रखा है। अब इसके अंदर आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी देख लें कि आपको कहाँ पे काम करना है, फिर उसी प्रकार से आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग प्रकार इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग है, इन्वायरमेंटल साइंस है, सोशल एक्सक्लूजन है, इंक्लूसिव पॉलिसी है, फिर उसके बाद में आ जाते हैं ये लैंग्वेज के, और फिर उसके बाद में सोशल सिस्टम पे, फिर फॉरेन लैंग्वेज हैं, ये आ जाती हैं। फील्ड ऑफ स्टडी में यहाँ पे आप देखोगे रीजनल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का है, यूरोपियन स्टडी का है, बायोटेक्नोलॉजी का है, लिंग्विस्टिक का है। तो कहने का मेरा मतलब है कि यदि आप हिस्टोरिकल स्टडी में देखोगे तो आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों ही देखने को मिल जाएंगी। हिंदी ट्रांसलेशन से रिलेटेड है, लाइफ साइंस का इसके अंदर आता है, फिलोसफी का इसके अंदर है, वीमेन स्टडी का है, रीजनल डेवलपमेंट एंड ज्योग्राफी का है। मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे नहीं है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें। बाकी इस फॉर्म के अंदर देखोगे तो कोई खास और इन्फॉर्मेशन मुझे देखने को नहीं मिली। बाकी एनेक्सर हैं, फॉर्मेट हैं, किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें बता रखी हैं। किस प्रकार से वन पेजेस क्या है, सेकंड पेजेस क्या है, मतलब क्या है कि आपको फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना, 100 KB फलाना ढिमका मकड़ा, वो सब कुछ है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है पीएचडी प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे आप देखोगे तो 55% आपके मार्क्स चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। सिंपल सी सीधी सी बात ये है, 55% मार्क्स आपको चाहिएंगे आपके किसी भी सब्जेक्ट में, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप पीएचडी करना चाहते हैं 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। अब इसके बाद में दूसरे नोटिस पे हम आते हैं दोस्तों, और ये दूसरा नोटिस कौन सा है, देखिए मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यदि हम यूनिवर्सिटी की साइट के ऊपर जाएंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और पब्लिक नोटिस है, तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हमने अभी देखी है और पब्लिक नोटिस को भी हम देख लेते हैं कि वो पब्लिक नोटिस हमारे लिए क्या कहता है। ये है पब्लिक नोटिस। अब पब्लिक नोटिस ज्वाला नेहरू यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के बारे में, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पे हमने देखी थी इन्फॉर्मेशन के तहत, वो सारी यहाँ पे दोबारा से रिपीट कर दी गई हैं। इसके अंदर कुछ भी नया
नया आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो सिंपली इस पे विजिट कर सकते हैं, फील्ड ऑफ स्टडी फिर दोबारा से आ गई, जिनको हमने पहले विजिट किया था ये दोबारा की दोबारा यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और इस पब्लिक नोटिस के अंदर और भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि JNU के अंदर यही इन्फॉर्मेशन उपलब्ध है, इसके अलावा इन्फॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों ये था आज का कंटेंट JNU यूनिवर्सिटी के PhD के एडमिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसी के साथ में लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। मैं आता हूँ आपके सामने बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद।